अनिल घनवत, किसानों को हर सरकार निराश क्यों करती दिखती है, या मैं गलत कह रहा हूं? ये तो बिल्कुल सही है। किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में हो, उनको तो चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने के लिए जो भी खाने की चीजें हैं वो सस्ती रहनी चाहिए, इसीलिए वो हर कोशिश करके वो फसलों के दाम कम करने की कोशिश करती रहती है। मैं कह दूं कि जो धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा है उससे मैं 100% उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि जो CACP है वही गलत काम कर रही है। मैं तो कहता हूं कि इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। ये किसानों के लिए काम ही नहीं कर रही है, ये तो बस कंज्यूमर्स के लिए काम कर रही है, नेताओं के लिए काम कर रही है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये किसानों के हित में आंकड़े नहीं निकालते। दूसरी बात है कि आपने आपके ब्रीफिंग में भी कहा कि पॉलिटिकल क्रॉप बन गई है, ये प्याज के बाद गन्ना एक पॉलिटिकल क्रॉप है, ये आगे चुनाव है तो इनके दाम क्या रखने चाहिए ये तय हो जाता है। हर साल स्टेट की चुनाव है तो उससे फिर ज्यादा थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी जाती है, और चुनाव में ये तो कोई बढ़ोतरी नहीं होती। और ये 10 रुपए कहाँ से लाए बाबा, ये 10 रुपए इतनी, अभी डीजल की कीमतें क्या हुई है, खाद की कीमतें क्या हुई है, लेबर चार्जेस कहाँ पर गए हैं, मेरे ख्याल से 12% से ज्यादा उसमें लागत आ रही है, और 3% सरकार अनभिज्ञ की है बढ़ा क्या? के नहीं दे। अनिल घनवत, आप सरकार के साथ भी काम करते हैं, संपर्क में रहते हैं, मतलब सरकार को मालूम नहीं? ये बच्चा बच्चा जानता है कि गांव हाँ देहात में, बिल्कुल, खेत खलियान में हालत क्या है। हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं, लेकिन उनको तो बस चुनाव जीतने हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, और चुनाव जीतने के लिए खाने पीने की चीजें सस्ती रखना उनका पॉलिसी होता है, और यही मार देता है किसानों को। महाराष्ट्र में तो और एक बात हो रही है, अभी दाम निकल रहे हैं FRP पे, यानी आपकी जो रिकवरी है शुगर की उसके ऊपर निकल रहे हैं, और हमारा बहुत सारा अभी गन्ने का जूस जा रहा है इथेनॉल के लिए, तो इथेनॉल में जा रहा है तो उसका रिकवरी कम आता है। हमारा कोल्हापुर ट्रैक में पहले रिकवरी 13% तक आ रही थी, अब वो 11% में, हमारे अहमदनगर पूना डिस्ट्रिक्ट में आ रही थी 11 साढ़े 11, वो अब 10% पे आ चुकी है। यानी अभी यह रिकवरी चुरा के किसानों को दाम कम दिया जा रहा है और इथेनॉल में, वहां। इथेनॉल तो महंगा है अनिल घनवत, वहां पर गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑल द मोर रीजन, तब तो सरकार को और बढ़ाकर दाम देने चाहिए ना किसान देने को। चाहिए ना वो, उसका जो बेनिफिट मिल रहा है गन्ना चीनी मिलों को वो किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उनकी लूट हो रही है इसकी वजह से, तो उसका कैलकुलेशन कौन करेगा? CACP ये कंसिडर क्यों नहीं करती, ये हमारा सवाल है इसमें। और तीसरी बात ये है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में 55 से ज्यादा शुगर बिक रही है, आप एक्सपोर्ट बैन लगा के बैठे हैं, अगर चीनी मिल चाहे भी तो दाम कैसे दे? तो ये सब जो कंट्रोल्स लगा के रखती है सरकार, और ऊपर से CACP ऐसे आंकड़े आकर निकालती है, 157 रुपये उनका जो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये सब झूठ है, ये किसानों के गले पे छुरी चलाने के लिए इस मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, तो ये सब सुधरने की जरूरत है, पार्टी कोई भी सत्ता में आए, लेकिन ये जो लूटपाट वाला मामला है वो बंद होना चाहिए, किसानों के दामों को सही खुली दाम लूट चल अगर रही है, किसानों को बिल्कुल सरेराह खुली लूट चल रही है, सरेआम लूटा जा रहा है। तो दूसरा सयाम सवाल जो लूटा मेरा, जा रहा है। ये दूसरा सवाल अनिल घनवत, किसानों की आय फिर दोगुनी कैसे होगी? गन्ने के दाम नहीं बढ़ेंगे, 1 रुपए का टमाटर आप ही के सूबे में भी सड़कों पर फेंका जा रहा था, आज हम 120 140 पर खरीद रहे हैं, वो कहीं तो भी किसान को तो नहीं मिले वो पैसे। नहीं या नहीं सूरजमुखी के हरियाणा में हमने देखा 2-2 हजार रुपए का अंतर MSP में और जितने पर खरीदा जा रहा है, ऐसे में किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? कभी नहीं हो सकती इस तरह की, अगर पॉलिसी रही तो किसानों की आय दुगनी हो नहीं सकती। मैं तो ये कहूंगा कि किसानों की आय आधी हो गई है पिछले 3-4 सालों में, जो मिलता था वो भी आज नहीं मिल रहा है, एक तो लेबर प्रॉब्लम बहुत चल रही है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत आ रही है, और हर बार किसानों के फसलों के दाम गिराए जा रहे हैं, प्याज की तो हालत आप देख रहे हैं क्या हो चुकी है, अब अरहर को अच्छे दाम मिल रहे हैं तो उसका स्टॉक लिमिट लगा दिए है, उड़द पे स्टॉक लिमिट लगा दिए है, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी पे इम्पोर्ट हो रही है, ऑयल इम्पोर्ट हो रही है, भाई किसान कमाएगा कब?
कि उसको अगर आप कमाने नहीं देते तो वो कर्जा चुकाएगा कैसे, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ये सब पॉलिसी डिसीजन है और एक ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के हित में पॉलिसी करे। हम सभी पार्टियों को विनती करते हैं कि भाई किसानों को, किसानों के बारे में सोचो, मर रहा है वो किसान, रात दिन रात मेहनत करके भी उसको अगर उसकी जिंदगी जीने के लिए, उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए वो पैसा नहीं मिल रहा है, कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रही है सरकार, क्या गलती है किसानों की, क्यों हम ये भुगत रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि किसानों की फसलों को अच्छे दाम मिलने के लिए क्या करना चाहिए। आज अगर एक्सपोर्ट बैन निकाल देते चीनी के ऊपर का, तो भी हमारे 100-200 रुपये से कीमतें बढ़ सकती है। आप ये, आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आई, नहीं आपने बिना लार लपेट कुछ अहम सवाल रख दिए हैं। महेश वर्मा, अनिल घनवत तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो कह रहे हैं किसान का भला हो ही नहीं सकता, सरकारों के डीएनए में नहीं है ये। आप कह रहे हैं शाबाशी दी जाए, वो कह रहे हैं खुलेआम लूट चल रही है किसान की। नहीं पता नहीं, मैं तो इस मामले में यही कहूंगा कि हो सकता है कि उनका अपना विचार है और उन विचारों से सहमति जताना मेरा फर्ज भी है, मेरा कर्तव्य भी है। मैं समझता हूं कि जब आप आरोप लगाते हैं तो आरोप से पहले उस चीज को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। अब 215 रुपये का रेट था और डीजल की कीमत तब क्या थी, अगर एक बार उसका भी मूल्यांकन तुलनात्मक ढंग से अगर किया जाता, और ये देश वही है उस समय, क्या किसान की लागत धर्मेंद्र मलिक ने, धर्मेंद्र मलिक ने वो मूल्यांकन भी दूसरी किया। दूसरी बात कि इस देश में जब शांता कुमार का मीटी के ऊपर जो है, उस रिपोर्ट के ऊपर देश में कुछ अच्छा काम किया गया और कानून लाया गया, और जब मंडियों की जरूरत थी, मिलों की जरूरत थी, आज क्या इस चीज को आप छुटला सकते हैं कि हम किसी भी तरह से इन हालात में आपके विरोध भी हम झेलते हैं, आपकी आलोचना भी झेलते हैं, आपके सवालों का हम जवाब भी देते हैं, और उसके बावजूद भी हम कहीं किसानों के लेकर जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, क्या वो बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, पहले जितनी थी उससे अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ है। आज जो है दो रिफाइनरी जो है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, गन्ना उत्पादक किसानों को ध्यान में रख के किया गया है या नहीं किया गया, 10% का जो इथेनॉल हो रहा है गन्ना, उसके बढ़े हुए दाम तो उसमें ज्यादा मिलते हैं, वो क्यों नहीं मिलते हैं गन्ना किसान को, वो इस एफआरपी में इंक्लूडेड हैं क्या, एसएपी में इंक्लूड होते हैं क्या? संदीप भाई, 2014 से पहले इस देश में ऐसा कुछ नहीं होता था जो आज आप सवाल हमसे कर रहे हैं। ये कौन सा मील का पत्थर बना दिया है 2014 से पहले का देश, अब का देश, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सवाल चार लाख करोड़ का यूरिया का स्कीम हमें दिखाई नहीं देगा, 2017 से लेकर 2022 किसानी से आए आपको दिखाई नहीं देती, 2017 से लेकर 2022 का प्रति किसान का कर्ज आपको दिखाई नहीं देता, 45 लाख करोड़ रुपए किसानों को नुकसान हो गया 15 साल में, क्योंकि एमएसपी पर उनकी फसल की खरीदी नहीं हुई, ओईसीडी की रिपोर्ट ये आपको दिखाई नहीं देती। सर मैं कह रहा हूँ कि आप जो है गन्ना किसान के नाम पर मुझे जितनी भी चीजों को, टमाटर ले लीजिए आप, उसके बाद जितना मर्जी उतना कह लीजिए, मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारे देश का जो कानून है, हमने जो शुरू में आपसे कहा कि रंगराजन समिति हम ले आए थे क्या, ये अनिल घनावत जो सहकारी संगठन के नेता है, इनसे पूछिए ना कि इन्हें विरोध किया और उस विरोध का परिणाम क्या निकला। मजाक है ये, आप किसान के नाम पर बात करें और किसान के नाम पर बात करके निकल जाए, इतना ही रहेगा, यही हमारा कर्तव्य है। अच्छा, कानून आड़े आ रहे हैं, कानून तो आप बदल देते हैं, एक मिनट में कानून बदले जाते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ, इस देश में चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, सीधा रात को 8 बजे बता दिया जाता है कि नोटबंदी शुरू हो गई, कानून आपके आड़े आ रहे हैं। संदीप भाई, हम नोटबंदी पे चले जाएंगे, हमने कहा ना कि धर्मेंद्र मलिक ये बता दे कि 2014 में जब 215 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना था, उस समय डीजल का क्या रेट था,
बताया ना उन्होंने, अब उस चीज को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। 50% से ज्यादा का इजाफा हो गया। लास्ट कमेंट, देखिए मुझे लगता है रंगराजन कमेटी में अगर कुछ गलत था तो सरकार पकौड़े तल रही थी, 9 साल से क्यों नहीं बदला। आत्महत्या की दर लगभग डबल हो गई, आज भी छत्तीसगढ़ की सरकार बोनस के नाम पर सबसे ज्यादा दे रही है। मोदी जी ने तो कई बार 1-1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। कांग्रेस के समय में नहरों का जाल हो, बांध हो, पूसा हो, IRI हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है। आपने NDRI करनाल जैसा कोई एक इंस्टीट्यूट बना दिया हो तो बता दीजिए। आपने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई एक प्रोग्राम आप ले आए हो तो। भाषण से देश नहीं चलता है, केवल आप भाषण देते हैं और 3 काले कानून लाते हैं।